अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ पर भी आप लोग अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। और बताएं कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स और बाकी सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और बताएं कैसी जा रही है आपकी रूटीन है, बाकी सब कैसे हैं, खैरियत से हैं। और आप सब मुझे बड़े कमेंट्स और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बस मेरे साथ इसी तरह रहेंगे तो मेरे साथ मेरे में और हौसला बनता आ जाएगा वीडियोस का। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी ये रात को थोड़ा सा सामान लेके आए थे, तो मैंने कहा चलिए मैं इसकी थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मार्केट में मैंने नहीं बनाई थी। तो फिर मैं घर आके मैंने कहा चलिए थोड़ा दिखा देती हूँ। तो ये थी जी ज़रूरत की चीज़ें जो सी आपको पता ही घर की होती हैं वो थी। और आप कभी ऐसे होता है कि मंथली ले आते हैं और कभी ऐसे होता है वीकली ले आते हैं, तो फिर जब वीकली ले आओ ना तो फिर बड़ा हो जाता है। शैम्पू देखिए मुझे याद आया, मैंने कहा आप सबको दिखाती हूँ कि जी मैं ये शैम्पू यूज़ करती हूँ। और मेरे भी वही मसला है जो सबसे बड़ा मसला है लोगों के लिए यहाँ पर, बाल गिरने का तो बड़ा मसला है जी यहाँ पर। मैं तो खैर पाकिस्तान से नहीं आई, मैं तो शुरू से दुबई में ही रही हूँ, मैं तो पैदा भी यहाँ पर ही हुई हूँ, लेकिन फिर भी मेरा भी यही मसला है। तो मैंने बाल तो काफ़ी देर से गिर रहे हैं, लेकिन फिर मैं एक दफ़ा कटिंग करवाने के लिए गई थी, तो वहाँ पर ना कोई इंडियन थी जो मेरे बाल कट कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया था इस शैम्पू का, हिमालया का ना, उन्होंने हिमालया का बताया था और वाटिका का बताया था। तो वाटिका मैं लेके आई थी, लेकिन वो कुछ मेरे पे ख़ास नहीं हुआ, लेकिन इससे मुझे कुछ फ़र्क पड़ा है। मीन्स कि मैंने बहुत ज़्यादा मैंने शैम्पू यूज़ किए हैं, इतने यूज़ किए हैं, हर टाइप के शैम्पू यूज़ किए हैं, लेकिन जी कोई असर नहीं हुआ मेरे ऊपर। लेकिन ये हिमालया जब से स्टार्ट किया ना तो कुछ बेहतर है, मीन्स कि गिरते हैं लेकिन कुछ बेहतर है। तो वो उन्होंने इंडियन थी, उन्होंने मुझे बताया। और हिमालया के वैसे आपको पता चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, तो मैंने कहा चलिए आप सबको भी दिखाती हूँ शैम्पू और साथ बताती हूँ, क्योंकि आप सबको पता होगा जो दुबई में रहते हैं उनको तो पता होगा। अच्छा कोई कोई ऐसे लोग हैं यहाँ पर कि जिनके दुबई आकर मैंने ऐसी ही देखी हैं, मेरी एक आंटी हैं उनके जी दुबई में आकर बाल ज़्यादा अच्छे हो गए पाकिस्तान के, और हम लोग यहाँ पर रहने वालों के पता नहीं क्या मसला है। पानी का भी कोई होगा, मेरा ये कोई नहीं है कि मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो पाकिस्तान जाके भी मेरे कुछ हो जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर की तरह ही रहते हैं। लेकिन बड़ा मसला है जी बालों का, तो बहुत ही मसला है। तो ये जी सुबह का नाश्ता बस मैंने ये पराठे निकाले फ्रीज़र से और मैंने ये बना लिए फ्रोज़न, और बस चाय पराठा खाया और कुछ भी नहीं। और बस आपको पता है सुबह एक जैसा नाश्ता भी करो तो इंसान बोर हो जाता है, तो इसलिए मैं कभी रस खा लेती हूँ, कभी ये बना लेती हूँ, कभी कुछ, बस इसी तरह होता है। और आप सब बताएं आप लोगों को भी ऐसे अच्छा लगता है अलग अलग नाश्ता करना। तो बस ये था पराठा और ये था जी मेरा नाश्ता। और नाश्ता सुबह सुबह अच्छा लगता है, पराठा और चाय पीना। और ये जी मेरा डिनर सेट है, और आप यकीन माने ये मैंने पता नहीं कब मंगाया है, इसको 6 महीने हो गए या उससे भी ज़्यादा हो गया, मुझे ये भी याद नहीं है। ये मैंने ऑनलाइन एक दफ़ा लगी हुई थी ऑफ़र, तो मैंने उधर से मंगा लिया, तो अभी कुछ प्लेट्स भी ख़राब हो गई थी घर में, तो मैं कहा चले मैं ये निकाल लेती हूँ और साथ साथ अब इसको मैं यूज़ करती हूँ। तो ऑनलाइन मंगाया था तो कोई ख़ास महंगा भी नहीं था, नॉर्मली प्राइस में था, मेरे ख्याल से 65 दिरहम में मिल गया था ये मुझे। ये सब चार चार का हुआ हुआ था, 20 पीसेस का था, तो ज़बरदस्त था। मैंने कहा चलिए अब इसको मैं यूज़ करती हूँ घर पे। आपको पता है ना ये जो सी ये प्लेट्स होती हैं ये फिर फ़ायदे की होती हैं, लेकिन जो होती है ना प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं खाना चाहिए, वो ज़्यादा ही नुकसान होता है। और अच्छा वैसे पाकिस्तान से मैं लेके आई थी, मैं नहीं सॉरी मामा लेके आई थी डिनर सेट प्लास्टिक का, तो वो बहुत ज़बरदस्त था जी, बड़ा अरसा वो चला है। मुझे उधर की बड़ी अच्छी लगती है प्लेट्स, वो लगती नहीं है कि प्लास्टिक की हैं, ये चीज़ है वहाँ पर। और आपको पता है ना वहाँ पर बाज़ार में चले जाओ तो चीज़ें देख देख के इंसान होता है, बाज़ार तो कोई भी हो चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे वो दुबई का हो, बाज़ार चले जाओ तो देख के वैसे ही खुशी बड़ी होती है। तो ये थी इसकी साइज़, इसकी जो बड़ी प्लेट थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, उसके बाद फिर ये नॉर्मल साइज़ की, फिर उससे छोटी और कप, तो खूबसूरत है माशाल्लाह। आप सब बताना कैसा लगा आपको मेरा डिनर सेट, जिसको मैं भी भूल गई थी। तो जी बस ये था जी आज का, मैंने कहा चलो आज इसको भी ओपन करती हूँ और साथ इसको भी यूज़ करती हूँ।
रख रख के चीज़ें, बस मेरी आदत है चीज़ों को ना रखने वाली ना करूँ। मुझे वो होते हैं लोग कि जैसे कि कपड़े में होता है या चीज़ों का होता है कि कपड़े रख दिए हैं तो रख ही दिए हैं, पहने नहीं, और फिर वो पड़े पड़े ही ख़राब हो जाते हैं। मैं कहती हूँ ऐसी ही सोच नहीं होनी चाहिए, इंसान चीज़ को ऐसा रखे जो आप यूज़ करो, ऐसे नहीं। मैं अपनी मामा को कहती हूँ कि मैं अपने जिनसे कपड़े बनवाऊँगी भी ना आगे, मैं उतने ही बनवाऊँगी जिनसे मैं पहन सकूँ, ये नहीं कि मैंने रखने या रखने या रखने, फिर बुढ़ी हो जाऊँगी फिर कब पहनूँगी। तो बस इसी तरह। तो जी उसके बाद मैं आ गई ये मतंजन पे, और ये मैं शारजा से कलर लेके आई थी, ये पिंक ऑरेंज रेड और ग्रीन कलर थे। और आप यकीन मानिए ये इतने कोई तेज़ कलर मैं ले आई हूँ कि मैंने बस एक टीस्पून डाला और चावलों का तो रंग ही रंग हो गया था। तो वैसे मैं ये बिल्कुल नहीं खाती, सीरियसली मैंने कभी टेस्ट भी नहीं किया, बस मैंने बनाती हूँ, बना के वो बस सीख लिया था मैंने यूट्यूब से, मेरे बाबा को पसंद है तो उनके लिए मैंने सीखा और बनाती हूँ। मुझे यकीन माने मुझे पता भी नहीं है कि इसका टेस्ट कैसा होता है, ना मीठे का पता, क्योंकि मैं मीठा खाती हूँ शौक से, बस उस हद तक, जैसे केक हो गया ऐसी चीज़ें मैं शौक से खाती हूँ, ये ज़रदा मतंजन ये चीज़ें बस मैं बनाती हूँ शौक से कि वो मेरे पापा शौक से खाते, लेकिन मैं खुद बिल्कुल नहीं खाती, बचपन से ही नहीं मुझे शौक है इनका। तो फिर उसके बाद ये मैंने बनाया, ये भी जर्दी की तरह ही होता है, बस इसमें क्या अलग होता है कलर जो जो होते हैं इसमें। उसके बाद इसमें ये मैंने थोड़ा काजू बादाम और गरी जो जो चीज़ें थी घर पे उस वो डाल दी, थोड़ा सा दूध डाल दिया। अच्छा इसको मैं अगर चीनी को मैं बहुत ज़्यादा कभी पकाती हूँ ना तो क्या होता है चावल अकड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा चीनी को नहीं पकाती, क्योंकि मैंने वो लोगों को देखा है कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं कि वो सारे चावल बना लेते हैं लास्ट पे दम पे चीनी डाल देते हैं तो उस तरह भी बन जाते हैं। तो इस तरह भी आप कभी भी इसमें पानी और दूध ज़्यादा मत ऐड करें, क्योंकि जब आप वो चीज़ें ज़्यादा डाल देते हैं ना फिर इसका पानी सूखता ही नहीं है। तो बस, और ये देखें मैंने इतना नॉर्मल सा कलर डाला और उसके बाद आप लास्ट में देखना कितने कलरफुल चावल बन गए मेरे। तो जी यहाँ तक था आज का व्लॉग, उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।